एंड भाई आते टाइम जितनी खुशी हो रही थी ना, उतनी जाते टाइम भाई दुखा भी बहुत दुख। तो गाइज अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं और आपके पास रुकने की व्यवस्था नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कैंप लगे हुए हैं, आपको यहाँ आना है और इन कैंप का चार्ज है 500 से 600 रुपये। आजा भाई, ये देखो भाई क्या रास्ता है, क्या सुंदर रास्ता है। हर हर महादेव, आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग, आप सभी को अरुण कुशवाहा का प्यार वाला नमस्कार। अभी मैं हूँ बाबा केदारनाथ के नगरी में, तो पहले तो आप बाबा के सुबह के दर्शन कर लो भाई। और आज ये मौसम बहुत ही भाई प्यारा हो रहा है, तो भाई आज हम जा रहे हैं सीधे गौरीकुंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 8 से 10 दिन हो गया रुके हुए, तो हम जा रहे हैं आज गौरीकुंड और यहाँ से मेरी यात्रा अब जाएगी सीधे अमरनाथ के लिए। तो अभी तो जाएंगे गौरीकुंड, गौरीकुंड से फिर जाएंगे हम सीधे सोनप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग, फिर ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर हरिद्वार से हम करेंगे भाई जो कि पैदल यात्रा जो कि अमरनाथ के लिए। तो आप सभी भाइयों का मुझे सपोर्ट चाहिए एंड सहयोग चाहिए। तो चलो दोस्तों अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और जल्दी से जल्दी गौरीकुंड पहुँचता हूँ। आप सभी का सपोर्ट चाहिए, हर हर महादेव। एंड भाई आते टाइम जितनी खुशी हो रही थी ना, उतनी जाते टाइम भाई दुखा भी बहुत दुख लग रहा है। ये देखो यहाँ से बाबा का दरबार इतनी दूर बचा है, लेकिन यहाँ से मंदिर दिख रहा है अभी। और अभी हम चल रहे हैं गौरीकुंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे 7 दिन हो गया मुझे रुके हुए, हर महादेव। तो गाइज अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं और आपके पास रुकने की व्यवस्था नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कैंप लगे हुए हैं, आपको यहाँ आना है और इन कैंप का चार्ज है 500 से 600 रुपये पर नाइट। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। और ये देखो भीड़ जा रही भाई, जैसे बाबा के दरबार आए थे खुशी होके, लेकिन वैसे दुखी होके जा भी रहे हैं, क्योंकि ना जाने का तो मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें ज़्यादा दिन हो गए और अब आगे की यात्रा भी करनी है। तो बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद लेके अभी आए हैं, बस चल दिए हैं धीरे धीरे। अब देखते हैं गौरीकुंड कब तक पहुँचेंगे। वादा की आप लोग केदारनाथ जल्दी से आइए और बाबा के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए। और हम तो बाबा केदारनाथ के दर्शन कर ही चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं बेस कैंप, जहाँ से लगभग दूरी है गौरीकुंड की 22 किलोमीटर यहाँ से लगभग पड़ेगी। ये देखो पूरा भाई ग्लेशियर है, ये देखो यहाँ का नज़ारा। देखो भाई ऐसे यात्रा लोग करते हैं, ये देखो चार चार जन बैठा के ले जाते हैं और ये देखो इतना भोजन लेके जा रहे हैं, पता नहीं भैया इनमें हिम्मत कहाँ से आती है, क्या खाते हैं ये लोग। तो गाइज यहाँ से आपको घोड़े मिल जाएंगे, इन खच्चर मिल जाएंगे, ये देखो इन घोड़ों का भाई एक प्राइस है 2200 से 2300 रुपये। अगर आप लोग आए तो यहाँ से आपको भारी घोड़े और खच्चर मिलेंगे और ये है घोड़े का यहाँ पे बेस कैंप, यहीं से आपको मिलेंगे। और ये देखो, ये देखो भाई यहाँ पे सभी भाई घोड़ों का स्टॉक है, अगर आप आएंगे तो यहाँ से घोड़ा आपको मिल जाएगा। भैया कितना प्राइस है घोड़े का? 2700 रुपये। सरकारी रेट 2300। अच्छा 2300, चलो भाई सरकारी रेट 2300 है। अब बात आ गई, आप लोग यहाँ आना तो अपना देख लेना, यहाँ पे सरकारी रेट है 2300 और यहाँ से भाई यहीं पे भाई घोड़े का पूरा कंपनी खुला है, यहाँ पे पूरा बेस कैंप है घोड़े का यहाँ पे। ये देखो तो गाइज आप लोग अगर आएंगे तो ये भाई शॉर्टकट आपको रास्ता मिल जाएगा उतरने के लिए। एंड ये देखो हम शॉर्टकट मार लेंगे, अगर उधर से जाते बहुत लंबा पड़ता है, तो हम जा रहे हैं शॉर्टकट से। हाँ राजन भाई, हाँ भाई क्या बोल रहे, कोबरा बन जाएगा पैर? कोबरा नहीं, मोर बन जाएगा। मोर, अच्छा बिना बादल वाला। ये देखो भाई वो हेलीकॉप्टर जा रहा है यात्री को लेके, ये रास्ता है शॉर्टकट। चलो शॉर्टकट से निकलते हैं, सीधे निकल जाएंगे वहाँ के लिए। चलो चलो चलो। ऊपर से कहाँ थे यहाँ तक आ चुके हैं और अभी इसी रास्ते शॉर्टकट रास्ते तो भाई इधर इधर जाना है। तो अब शॉर्टकट में हमें थोड़ा जल्दी उतर जाएंगे, क्योंकि अगर लॉन्ग से जाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा हमें। तो हम चलते हैं शॉर्टकट से, हर हर महादेव। आजा भाई, ये देखो भाई क्या रास्ता है, क्या सुंदर रास्ता है बाबा केदारनाथ की। आजा, डर लग रहा है क्या राजन? डर रहा केदारनाथ। तो भाई ऐसे रातों से बाबा केदार की टोली जाती है ऊपर के लिए और हम भी इसी रास्ते से अभी नीचे जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए। और मौसम हो गया खराब, ये देखो ऊपर का मौसम कितना भाई बादल ही बादल आ रहे हैं। एंड
ये रास्ता है नीचे जाने के लिए, ये शॉर्टकट रास्ता है, अगर इसकी रास्ता दूसरी भी है। शॉर्टकट कभी भी मत लेना गाइस, क्योंकि शॉर्टकट इज नॉट ए इजी वे, हमेशा घातक हो सकता है। तो आप रास्ते रास्ते कभी भी हादसे हो सकते हैं। हमें आदत है एक्चुअली, हम ट्रेवल करते हैं तो ट्रैकिंग करते रहते हैं, तो इसलिए। लेकिन आप कभी भी शॉर्टकट यूज मत करना, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये है रास्ता, और ऐसी ऐसी रातों से भाई अब केदारनाथ के लिए जाना पड़ता है। तो जानते हो मंकी मैजिक? कौन मंकी मैजिक नहीं जानते हो? चलो भाई अभी आ चुके हैं ग्लेशियर के पास, क्योंकि अभी हम 5 से 6 किलोमीटर हम ट्रेक कर चुके हैं और गोरीकुंड की तरफ जा रहे हैं। ये देखो भाई कितना खतरनाक ग्लेशियर पड़ा है। अब तो कम हो गया, लेकिन जिस दिन आए थे उस दिन बहुत भाव है। ये देखो कितना है यार, देखो भाई ऐसे चढ़ाई होती है केदारनाथ की, इस तरह से आपको चढ़ना पड़ेगा ऊपर। खड़ा ट्रैक है, जिससे अमरनाथ में यात्रा करी जाती है ना, वैसे यहाँ भी ऐसी बिल्कुल सेम ट्रैक है, ऐसे आपको यहाँ भी जाना पड़ेगा। ये है भाई केदारनाथ का रास्ता। भाई ये देखो, ये है बाबा के रास्ते, और अभी हम आ चुके हैं भीम बल्ली पे। तो भाई ये वही रास्ता है जहाँ पे 2013 में विपदा आई थी, और पहले की जो रास्ता है वो भाई उधर से, अब वो रास्ता बंद कर देगी, अब रास्ता बनाएगी नहीं वो, ये यहाँ से। ये देखो ऊपर चढ़ के भाई ऐसे 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 कहाँ कहाँ से लोग जाएंगे, उसके बाद वहाँ से लेके वहाँ, वो देखो पहाड़ दिख रहा है, बर्फ़ दिख रही है, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। उसी पहाड़ के भाई एक और पहाड़ उधर है, वहाँ हमारे बसते हैं देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। ये देखो भाई पानी का इतना बहाव है, अगर इसमें कोई भी गिर गया ना बिना मरे बचेगा नहीं इसमें। तो भाई फाइनली अभी आ चुके हैं गोरीकुंड। यहाँ से कितना होगा अभी? यहाँ से 500 मीटर बता रहा है। 500 मीटर, हाँ 500 मीटर तो होगा ये। चलो भाई ये देखो यहाँ का है नज़ारा, और ये है पैदल यात्रा। तो भाई फाइनली अभी पहुंच चुके हैं गोरीकुंड। भाई थक गए ना क्या के? भाई घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। अब जाऊंगा नीचे बैठूंगा आराम से, कुछ खाना पीना खाऊंगा, उसके बाद में फिर भाई आगे की यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत भाई दर्द हो रहा है पीठी में। वो तो मैंने कैंप और स्लीपिंग बैग सब कुछ ऊपर ही बेच दिया, तो इतना वजन मेरे पास तब भी है यार। और आपको चीज़ दिखाने वाले हैं, यहाँ पर है ना गर्म पानी का कुंड है। हाँ यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड भी है, तो वो भी दिखाएंगे वहाँ, वो भी आपको दिखाएंगे। सारे जो चर्म लोग होते हैं ना, हाँ वो सब मिस्ट हो जाते हैं। तो भाई गोरीकुंड में कुछ इस प्रकार के रास्ता बनी है, देखो इधर से आने के लिए उधर से जाने के लिए। तो भाई ये देखो पुलिस चौकी, खोया पाया केंद्र गोरीकुंड, यहाँ पे आपके टोकन चेक होंगे। तो भाई अभी आ चुके हैं गोरीकुंड, और गोरीकुंड है ये गर्म कुआं है कि कुंड बोला जाता है, क्योंकि इसमें पूरा भाई ये पहाड़ी एरिया ना, तो यहाँ पे हर जगह ठंडा पानी निकलता है, लेकिन ये कुंड में ऐसा गर्म पानी है, माना जाता है कि इस कुंड में नहाने से ना आपके सारे काम मिट जाते हैं, तो इसी लोग ऊपर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने से पहले यहाँ नहा के जाते हैं। एंड गाइस ये देखो सभी लोग नहा के तभी ऊपर दर्शन करने के लिए जाएंगे, जो भी ये नहा रहे हैं ये लोग अभी सब ऊपर जाएंगे, क्योंकि बिना नहाए यहाँ कोई दर्शन करने नहीं जाता है। जैसे आप बद्रीनाथ में देखेंगे ना कुंड है, वैसे यहाँ उधर लेडीज हैं इधर जेंट्स हैं, तो ये कुछ यहाँ का नियम अच्छा है, बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। फिलहाल अभी हैं गोरीकुंड में, ये है भाई गोरीकुंड देख लो आप, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो फाइनली गाइस अभी हम लोगों ने गोरीकुंड में नहा लिया गर्म गर्म पानी से, और उसके बाद हम चल रहे हैं अभी सोनप्रयाग, जहाँ पर पंजाब के जलंधर वालों का भंडारा लगता है। अभी हम जा रहे हैं सोनप्रयाग, वहीं पे आज की रात भोजन करेंगे, और आज की रात वहीं पे स्टे करेंगे, और आज की रात वहीं पे हमारा वीडियो एंड होगा। तो अभी तो पैदल चल रहे हैं लोग 5 किलोमीटर है, कि गाड़ी से आते बहुत जाम थी तो गाड़ी से आए नहीं, और बाबा के दर्शन कर लिए हर हर महादेव। तो
तो अभी हम आ चुके हैं सोनप्रयाग में और हमें घूम के जाना पड़ेगा इस ब्रिज को पास, और इस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर हमें पहुंचना है वहां पे। वहां पे चल रहा है भाई जलंधर वालों का भंडारा, वहीं भी हमें पहुंचना है, और यहीं से भाई आप लोगों के जो रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं। चलो अभी चलते हैं, चल भाई थक गए यार, जल्दी आ जा। एंड गाइज आ चुके हैं हम सोनप्रयाग, और आप लोग देख रहे हो यहाँ पे भंडारा भी लगा है। चलो पहले भंडारा खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है यार। हर हर महादेव।